विधानसभा हलका मलोड तो अकाली दल ते भाजपा दे सांझे उम्मीदवार दर्शन सिंह कोटफत्ता दे हक विच चोण प्रचार करन दे लई कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल पुजे, जिन्हां ने अज दो वक-वक चोण रैलियां नूं संबोधन करदे होए अकाली दल दे उम्मीदवार कोटफत्ता दे हक विच वोट पाउण दी लोकां नूं अपील भी कीती है। बहुत वधिया हुंगारा, चारों पासे जिहो जे विकास दे कामकाज होए ने, अज लोकी विकास ते तरक्की चाहुंदे ने। वो चाहते हैं कि दिल्ली में अपनी सरकार जिहड़ी होई है आई है कि तालमेल की यहो जी सरकार होए जे इस विकास ते तरक्की नूं बरकरार रखे, जिहड़े कामकाज रह गए ने वह भी सिरे चढ़न, आने वाले समय च बच्चों नौकरियां मिलन, गरीबों नूं मकान मिलन, किसान की आमदन होए, दुकानदार की आमदन होए, व्यापारी की आमदन इस आमदन में वाधा होए, इस निशाने नूं लैके केंद्र ते सूबे की सरकार आने वाले समय में काम करना चाहती है। तो मैनू पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस ते उन्हां दी बी टीम जिहड़े भड़काऊ भाषणा दे के अमन शांति नूं भंग करन वाले झूठे वादे करके लोगों नूं भड़काउण दी गल कर रहे ने, ये लोग इस चीज़ा तो देख सचेत हो चुके ने। कैप्टन साहब, मैनूं तां दुख है कि एक फौजी होण दे नाते पहली जंग का ऐलान अजे बिगुल बजिया ही हैगा, तो जरनैल साहब थोड़े थले अजे जमीन च अकाली दल तो उन्होंने जंगे मैदान च उन्होंने तोरिया गया, तो पहले देखते ही कैप्टन दुश्मन नूं देख के भज के अज लंबी आन का फैसला कर रहे ने। सो कैप्टन साहब थानू लंबी जी आया नू, लेकिन जे बुजदिल नहीं है ते हिम्मत है कि बाजुआ चे ते फिर उथो छड़ो पटियाले दी सीट किसे होर नू दो, तो आके ता तगड़े होके लड़ो, पता लगूगा लड़ाई लड़न वास्ते आयो, कले ए तुसी रबर स्टैंप करन वास्ते पोस्चरिंग करन वास्ते नहीं आयो। गिदड़वाहा तो सोनी डल्ला दी रिपोर्ट, पहरेदार टीवी।